गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम हायर परचेज में इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशंस हैं उनको समझेंगे। चलिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस मेजरली दो तरीके के केस हैं। पहला केस होता है जब कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट गिवन हो, ठीक है। जब कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट गिवन हो तब क्या निकाल रहे हैं। और दूसरा मेथड जो होता है जब हम कहते हैं कि कैश प्राइस गिवन ना, इसका मतलब क्या है, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड डाउन पेमेंट ये सब मिलेगा। इसमें डाउन पेमेंट भी गिवन है। इसके अलावा भी और मेथड होती हैं, जैसे व्हेन आरओआई नॉट गिवन हो, और भी होती हैं, बट हम लोग मेजर फोकस करेंगे इन दो पे। एग्जाम में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता है, तो हमारा फोकस इन दो पे रहेगा। और ये इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला रहता है जब कैश प्राइस नहीं दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँ, उससे क्वेश्चन को समझाऊँ तो ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा आपके, बजाय कि मैं डायरेक्ट पहले कंसेप्ट करूँ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को पढ़िए। ओम लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस दे रखी है, डाउन पेमेंट दे रखा है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी है, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है। देखिए, तो जो ये एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें कितनी है, कैश प्राइस हमें दे रखी है 80,000, डाउन पेमेंट दे रखा है 21,622। एक बार देखें जरा, 21,622। इंस्टॉलमेंट जो है वो एनुअल है, वो कितनी है, 15,400 की 5 इंस्टॉलमेंट है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 10% है। अब अगर ये डाटा हमें दे दिया जाए तो हम जो कैलकुलेशंस करेंगे बहुत सिंपल होती है। देखिए, कोई भी कैलकुलेशंस करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पीरियड, ये हमारी कैश प्राइस हो जाएगी, या इसको हम यहां पे आ रहे हैं, ये आ गया हमारा पीरियड, ये आ जाएगी हमारी अमाउंट, ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग लिखने वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा,
ये हमारी इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं और यहाँ पर लास्ट में ले लेते हैं प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी। सो जीरो पीरियड की बात करें, 80,000 रुपये थे, ये हमारी कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट हमने दे दिया 21,622, ठीक है ना, 21,622 दे दिया हमने डाउन। तो इस पे तो कोई इंटरेस्ट दिया नहीं, तो एक तरह से 21,622 बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो हमने पे कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो बैलेंस बचा वो ये बचा 58,378, ये हमारा बैलेंस बचा। इस बैलेंस पे हम 10% से इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना आएगा, 58,388। इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है, 15,400 की। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल में मेरा कितना इंक्लूड है, 9,562। टेक्निकली मैंने पे 15,400 किए हैं, लेकिन उसमें से प्रिंसिपल के मैंने 9,562 करे, तो ये मेरा ईयर वन का आ गया। अब मैंने इसे इसमें से 9,562 पे कर दिए, तो बैलेंस बचा 4,816। ये बैलेंस बचा ईयर टू के लिए। इंटरेस्ट 10% से कितना आएगा, 4,882। पे हमने कितना करना है, 15,400। इसका मतलब ब्याज हटा दिया जाए तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में हम कितना पे कर रहे हैं, 10,518। तो 10,518 ये हमने पे कर दिया। ईयर थ्री के लिए जो बैलेंस आया वह आया 38,298, ठीक है। ये आ जाएगा 38,300, 15,400, 15,400 में से 38,300 आपने माइनस कर दिया तो आया 11,570। आप 11,570 आप माइनस करें तो जो बैलेंस आएगा 26,27,28, ये बैलेंस आया, ये ईयर फोर के लिए बैलेंस आ गया। इस पर ब्याज आएगा 2,673। 15,400 आपने टोटल इंस्टॉलमेंट दी, 15,400 में से 2,673 माइनस करो तो आता है 12,727, ठीक है जी। अब 12,727 यहाँ से माइनस करें तो ये ईयर फाइव आया, उसका बैलेंस आ गया। इसे एक काम करते हैं, इसे 72 कर लेते हैं। जब ये 72 कर लेंगे तो ये 728 बचेगा, नहीं तो एक रुपए के चक्कर में कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी हमारी। तो अब ये जो बैलेंस बचा ईयर फाइव के लिए वो बचा 14,000 रुपये।
ब्याज कितना आया? 14,000, 15,400, 15,400 माइनस 1400, तो ये 14,000। इसका अगर आप जब टोटल करेंगे तो ये 80,000 हमारी जो कैश प्राइस थी वो आ जाएगी। अब क्या देखा आपने, इस 80,000 में से इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में कितना ब्याज इंक्लूड है वो निकल के हमारा आ गया, ठीक है जी। सो लास्ट में जब 14,000 पे कर दोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? निल। यस, यानी कि हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो अब ये हमने देखा जब हमें कैश प्राइस दी है। अब हम समझेंगे जब हमें कैश प्राइस नहीं दी होगी, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। आशा परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर दी टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन पेमेंट, 70,000 रुपये तो डाउन पेमेंट देना, 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 49,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इंटरेस्ट हमारा 10% से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस ऑफ द ट्रक एंड इंटरेस्ट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा समराइज कर लें। ये हमारा केस टू हो गया, ठीक है जी। केस टू का मतलब है कि हमें कैश प्राइस नहीं दी हुई है, केस टू का मतलब है व्हेन कैश प्राइस नॉट गिवन। इसका मतलब समझिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट एंड डीपी गिवन होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को ले लें। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% है, डाउन पेमेंट आपकी 70,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो आपकी कितनी है? 53,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो आपकी है 49,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 55,000। ये तीन इंस्टॉलमेंट है।
ठीक है जी, तीन इंस्टॉलमेंट दे दिए हमें। इसको हम लोग बैक कैलकुलेशन भी कहते हैं। बैक कैलकुलेशन का मतलब है कि आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, समझ लें। लिखेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है जी, समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट नंबर। फिर हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितनी है, फिर इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। तो फिर आएगा हमारा प्रिंसिपल इंक्लूडेड। इसमें इसको कैलकुलेट करते वक्त हमें जरा ध्यान देना है, इंस्टॉलमेंट नंबर हमारी 3 है, कितनी अमाउंट है 55,000 रुपये। अब आप बताइए कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा और इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 55,000। एक मिनट जरा, इसकी कैलकुलेशंस के लिए मुझे ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी वर्किंग चाहिए, तो मैं ये वाली कॉलम हटा देता हूँ। ठीक है, और ये भी हटा देता हूं प्रिंसिपल, सॉरी। अब मैं ठीक, प्रिंसिपल इंक्लूडेड, इंस्टॉलमेंट में मेरा जो इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वो 10/110, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में दोनों पार्ट इंक्लूड है। ये कितना आएगा, 5,000। तो प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है, 55,000 माइनस 5,000, 50,000। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड की बात करें, इंस्टॉलमेंट नंबर सेकंड मेरी है कितने की, 49,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा वो कितना होगा, एक तो इसमें प्लस ये जो 50,000 है, पॉइंट समझिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में
थर्ड इंस्टॉलमेंट की जो आउटस्टैंडिंग है वो भी तो इंक्लूड होगी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल में जाएगा पैसा वो कितना जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 53,000 की। तो 53,000 इसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा, 40,000, 50,000, टोटल कितना हो गया, 1,43,000 इंटू 10/110, 13,000, 1,30,000। जीरो पे जो हमारी डाउन पेमेंट है वो कितनी है, 70,000। कैश प्राइस हमारी कितनी हो गई, 2,90,000। तो जब भी आपको इंस्टॉलमेंट दी रही लेकिन कैश प्राइस जब नहीं दी होगी तो हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि सपोज करो मैंने किसी को 1,00,000 रुपये देना है और मैं 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, तो पहले मैं 1,00,000 पे ब्याज लगाऊंगा, यानी कि इसमें पांचों इंस्टॉलमेंट इंक्लूड है। जब मैं 20,000 दे दूंगा तो मैं 80,000 पे ब्याज लगाऊंगा, यानी कि चारों इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जब ये ब्याज लग रहा है तो इसमें सारी इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल जुड़ेगा ना, ठीक है। मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो कैलकुलेशंस करी हैं मैंने, इन कैलकुलेशंस पर मैं अपना केस वन दोबारा अप्लाई कर देता हूँ और हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसके हिसाब से मेरी अब कैश प्राइस निकल रही है 2,90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%, जो डाउन पेमेंट है मेरी 70,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी 53,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरी 49,000 की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरी 55,000, ठीक है। नाउ केस वन बन गया अभी ये, क्योंकि केस वन में हमें डाउन वो चाहिए होती है। अप्लाई करें केस वन, ठीक है। जीरो पीरियड पे आपकी कैश प्राइस है 2,90,000। उस 2,90,000 में आपने डाउन पेमेंट कर दिया 70,000, मैं एक गलती कर गया, यहां पर ये 1,30,000 नहीं होंगे, गौर से देखें ये कितने होंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो 53,000 की थी ना, तो यहां पर क्या आएगी, 53,000 53,000 माइनस 13,000,
40,000। तो जो ये आपकी प्राइस है ये 2,90,000 की जगह 2,00,000, ठीक है जी। तो अब इसी को हम यहां अप्लाई करते हैं कि ये आपकी प्राइस कितनी है 2,00,000 है। बैलेंस जो बचा ईयर वन के लिए 1,30,000, ब्याज कितना होगा 13,000, इंस्टॉलमेंट कितनी, तो यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना इंक्लूड है 40,000, माइनस कितना करोगे 40,000। तो जो बैलेंस सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए आया वो कितना, ठीक है, जो बैलेंस थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए आया वो 50,000 आया। सो ये दो मेथड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, जिसमें से एक मेथड है जब आपको कैश प्राइस दी हो, दूसरी मेथड है जब कैश प्राइस नहीं दी हो। जब कैश प्राइस नहीं दी हो मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस उसके ही मिलेंगे, ठीक है। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड द कॉन्सेप्ट। बाकी प्रैक्टिस से हम और चीज़ अच्छी तरह समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।